पश्चिम बंगाल में आए नतीजे के बाद टीएमसी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। केंद्र के मंत्री और प्रधानमंत्री खुद लगातार जो है पश्चिम बंगाल में जनसभाएं किए थे। स्थिति ये लग रही थी कि बीजेपी वहां पे कहीं ना कहीं सरकार बनाएगी या एक बड़ी संख्या में सीट लेकर आएगी, लेकिन जिस तरीके से 200 से ज़्यादा सीटें जो है टीएमसी के खाते में गई है और 80 से भी कम सीटों पर बीजेपी सिमट के रह गई, उसके बाद अब टीएमसी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। तो वहीं ममता बनर्जी ने अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि 2024 की तैयारी करने में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए 2024 की तैयारियों में लग गई हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो उनके संपर्क में है। उनका ये कहना है कि अगर हमें किसी चीज़ को हराना है, किसी लोग को हराना है, तो हम सब लोग को एक होना होगा। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने 2024 की तैयारियों को लेकर, आप खुद सुनिए। इतना ठीक नहीं है, this is absolutely wrong. They are giving some photographs, that is old one. ये उसका habit है, old right का photo लगा के, बाहर का photo लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको withdraw करने के लिए। I don't like any violence or anything, but why BJP is doing that? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए। हम तो रैली नहीं किया है। आप देखो इतना जीत का बाद में भी बीजेपी इतना एट्रोसिटीज किया, सीएपीएफ इतना एट्रोसिटीज किया, इलेक्शन कमीशन इतना एट्रोसिटीज किया, उसका बाद भी मैंने बोला सब शांत रहे हो। सब 9 मई को हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, आप रविंद्र टैगोर का जन्मदिन मनाओ, माँ मट्टी मनुष्य को धन्यवाद लगाओ।